बॉलीवुड एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। वह राज्यसभा में इस बार चुनकर आई तो सबसे धनी सांसद बन सकती हैं। जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 1000 करोड़ बताई है। अगर वो सांसद चुन ली जाती हैं, तो वो देश की सबसे अमीर सांसद बन जाएंगी। जानकर हैरानी होगी कि जया और अमिताभ बच्चन के पास कुल 62 करोड़ रुपए का सिर्फ सोना है। दोनों के पास 12 गाड़ियां हैं। इनके पास करोड़ों की घड़ियां और प्रॉपर्टी भी है। उन्होंने 2012 में 493 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी। इस बार उनकी कुल घोषित संपत्ति 1000 करोड़ की हो गई है। जया बच्चन ने चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में अपने और पति अमिताभ बच्चन के 460 करोड़ की अचल संपत्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 540 करोड़ की चल संपत्ति के बारे में भी बताया है। 2012 में उन्होंने 152 करोड़ की अचल संपत्ति और 343 करोड़ की चल संपत्ति का ऐलान किया था। उनकी कुल संपत्ति इन 4 सालों में दुगना हो गई है। अमिताभ बच्चन के पास करीब 3.4 करोड़ रुपए की, तो वहीं पत्नी जया बच्चन के पास 51 लाख रुपए की घड़ियां हैं। बच्चन दंपत्ति के पास 9 लाख का एक पिन भी है। बच्चन परिवार का फ्रांस के ब्रिगनोगन प्लेज में 3175 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी है। इसके साथ ही बच्चन परिवार की नोएडा, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद और गांधीनगर में प्रॉपर्टी है। जमीन की बात करें तो जया 1.22 हेक्टेयर कृषि जमीन की मालकिन है। ये जमीन लखनऊ के पास काकुरी क्षेत्र में है। वहीं अमिताभ के पास 5.7 करोड़ के मूल्य का 3 एकड़ का प्लॉट है। ये प्लॉट बाराबंकी जिले के दौलतपुर क्षेत्र में है। जया बच्चन लंबे समय से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं। वहीं अमिताभ लगातार काम में व्यस्त हैं। उनकी 3 फिल्में 102 नॉट आउट, ब्रह्मास्त्र और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।